यह है सैमसंग का S20 पैन एडिशन का बॉक्स और टिपिकल सैमसंग टाइप में है। और डेफिनेटली इस फोन के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ, आपको लेना है या नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बॉक्स के नीचे के तरफ जो प्राइसिंग लिखा हुआ है 65999, ये ओरिजिनल प्राइसिंग नहीं है इस फोन का, ओरिजिनल प्राइस है 50,000 रुपीज स्टार्टिंग वेरियंट का, और ये फोन मेड इन इंडिया है। साथ में एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर में। ये कुछ पेपर वर्क से क्विक स्टार्ट गाइड, रीजनल लॉक गाइड और कुछ वारंटी कार्ड्स जो वैलिड है सिर्फ इंडिया में ही, और इस फोन में खाली इंडियन सिम ही चलेगा। यह है सैमसंग का 25 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर जो आपको मिलता है। बट सैमसंग अपने जो मिड सेक्शन के फोन से सैमसंग M51 उसमें देता है Type-C चार्जर। पता नहीं सैमसंग क्या करना चाहता है टू टाइप सी केबल, टिपिकल सैमसंग टाइप्स का जो पुराने फोन से देखते आ रहे हैं हम लोग। यह है सैमसंग S20 फैन एडिशन फोन मेरे हाथ में टिपिकल सैमसंग डिजाइन में। इस फोन के नीचे के तरफ में आपको देखने को मिल जाता है टाइप सी पोर्ट प्लस स्पीकर ग्रिल प्लस एक माइक। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, ऊपर के तरफ पूरा खाली है। ये है सैमसंग S20 फैन एडिशन का डिस्प्ले जो 1080p रेजोल्यूशन के साथ में देखने को मिल जाता है आपको, प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको पता है सैमसंग का डिस्प्ले कितना ब्राइट और एक्यूरेट होता है कलर्स में, और व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छा है इस फोन का। इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है 120Hz का डिस्प्ले, तो बहुत ज्यादा स्मूथली काम करता है, तो आप मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है ये कोई भी स्मार्टफोन का, एक हायर रिफ्रेश रेट, तो डेफिनेटली बैटरी भी थोड़ा ज़्यादा खाएगा इस फोन में, और 4500 mAh का बैटरी है, तो डेफिनेटली आप लोग सबको दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये फोन पूरा पीछे की तरफ प्लास्टिक से बना हुआ है, और आप अगर गेमिंग करते हो हेवी तो आपको हीटिंग पता चलेगा इस फोन का, जो डेफिनेटली ज़्यादा हीट खाता है ये फोन। और इसका बैक फिनिश जो है पूरा मैटेड डिजाइन में आपको देखने को मिल जाता है, डेफिनेटली कोई भी फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है ये फोन। इसमें जो कैमरा सेटअप लगा हुआ है 12 MP का कैमरा सेटअप, नंबर्स में ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत तगड़ा काम करता है कैमरा जितने भी है इसके। ये आप कुछ कैमरा सैंपल्स देखो, इसमें आपको सुपर स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है, और साथ में बहुत सारे फीचर जैसे सिंगल टेक, लाइव फोकस और बहुत सारे मोड्स। फ्रंट कैमरा 32 MP का है और एक नंबर कैमरा है, आपको लाइव फोकस जैसा मोड भी देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन One UI 2.5 के साथ में आता है आउट ऑफ द बॉक्स, प्लस एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, और आपको एंड्रॉयड 11 भी जल्दी मिल जाएगा। सैमसंग S20 पैन एडिशन जो स्मार्टफोन है ये आपको 50,000 के प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है, और सबको सेम प्राइस में S20 प्लस देखने को मिल जा रहा है फ्लिपकार्ट के सेल में, तो आप देख सकते हो ये फ़ोन S20 प्लस ज़्यादा बेटर है सैमसंग के S20 पैन एडिशन से, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा S20 प्लस। तो
आप जब S20 प्लस ही लो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आप सबके लिए। और लेकिन अगर आपको फैन एडिशन खरीदना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, अगर आप गुवाहाटी से खरीदना चाहते हो तो इन टच में आप जाकर खरीद सकते हो। तो आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर कॉल करके पूछ लो और आपको स्टॉक में ये फ़ोन मिल जाएगा, अभी आप जाके ले सकते हो। इस फ़ोन में आपको एक्सिनोस का 990 देखने को मिल जाता है और आपको कैमरास जो मिलते हैं इस फ़ोन में बहुत तगड़े मिलते हैं। अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन यूज़र हो तो मैं डेफिनेटली आप सबको रेकमेंड करूँगा ये फ़ोन लेने के लिए। लेकिन अगर आप गेमर्स हो जो बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह करते हो और आपको मतलब एकदम फास्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आपको मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस फ़ोन में लगा हुआ है एक्सिनोस का 990 और स्नैपड्रैगन का 865 नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप अगर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको OnePlus 8T के तरफ जाने के लिए बोलूँगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है सेम प्राइस पॉइंट में। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को लोगे तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब फ्लैगशिप लेवल का तो मिलेगा, आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिल जाएगा फ़ोन में गेमिंग करते वक्त। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है इस फ़ोन में जो मुझे महसूस हुआ कि आप लोग सबको बता देना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी। तो आपको कैमरास चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन ले सकते हो, अगर आपको गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करते हो तो आप मत लेना ये स्मार्टफोन। तो मेरा ओपिनियन डायरेक्टली यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड नमस्ते।